को अहम खबर दें, वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से जी टी जमाल की मुलाकात हुई है। सदर आई पी पी ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की भरपूर हिमायत करते हैं। मजीद जानते हैं टिका खान सानी से। टिका खान सानी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से सुबह खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमा जी जी जमाल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में खास तौर पे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत की गई, उस पर तबादला ख्याल किया गया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने इस मुलाकात में वादे किए हैं कि मुल्क भर में दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है और उन्होंने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है उसकी भरपूर हमायत का भी इसमें ऐलान किया है। और साथ ही अब्दुल अलीम खान ने यह भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और सरहदी इलाकों में पाक अफवाज पर हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। सरमायाकारी और मुल्की तरक्की के लिए अमन अमान के क्याम इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान ने यह भी वादे किया कि मायूसी की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मुल्क का मुस्तकबिल महफूज और शानदार है। बैन अल-अक़वामी शाहराओं और मोटरवेज की तामीर के लिए सुबह खैबर पख्तूनख्वा को तरजीह दे रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी वादे किया कि खैबर पख्तूनख्वा का सुबह चीन, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के लिए गेट वे की हैसियत रखता है। और अब्दुल अलीम खान ने इस हवाले से जी जी जमाल खास तौर पर उनके मसाइल और सियासी सूरत हाल से भी आगाह किया इस मौके पर, और साथ ही पूरे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो भी इस मुलाकात में जेर बहस आई। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से जी टी जमाल की मुलाकात के बारे में आगाह कर रहे थे। टिका खान सानी, आपका शुक्रिया।